श्री महालक्ष्मी नमः स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको माता लक्ष्मी का एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी आप सभी जानते हैं कि साल में एक व्रत आता है जिसे महालक्ष्मी व्रत कहते हैं धागे वाला व्रत होता है इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है गज लक्ष्मी की पूजा की जाती है श्राद्ध पक्ष में यह आता है माता लक्ष्मी के साथ साथ हाथी की पूजा भी इसमें व्रत में की जाती है ये बहुत बड़ा व्रत है और ये व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए ही होता है जिनके पुत्र ना होते हों पुत्र होते ही मर जाते हों मृत जिनको दोष लगा हुआ है उनको इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए विस्तार से जानकारी के लिए अगले वीडियो में आपको विस्तार से व्रत के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में सिर्फ उपाय बता रहा हूं कि आपको इच्छा पूर्ति दीपक कैसे जलाना है माता लक्ष्मी के सामने एक पुष्प अर्पण करके इस दिन एक धागा बांधा जाता है पीला धागा यह है माता लक्ष्मी के नाम का धागा होता है और जिस घर में यह धागा हो उस घर में कभी कोई विपत्ति नहीं आती जो स्वागन महिलाएं ये धागा बांधती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है संतान की आयु लंबी होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है बहुत ही बड़ा व्रत है तो इस दिन आपको क्या करना है कि जब आप पूजा कर रहे हो जब आप पूजा कर रहे हो तो उस समय जब आप पूजा कर रहे हो उस समय आपको पहले भगवान शिव जी का अभिषेक करना है अभिषेक करके पीला पुष्प भगवान शिव को अर्पण करना है पीला और भगवान को आपको भस्म अर्पण करनी है और एक दीपक भगवान शिव के सामने आपको जला देना है अपनी मनोकामना अपनी इच्छा बोलते हुए उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा जब आप कर रहे हो तो उस समय आपको चौमुखी दीपक उस समय आपको चौमुखी दीपक बनाना है श्री महालक्ष्मी नमः श्री महालक्ष्मी नम महालक्ष्मी चवेद में विष्णुपत्ते चाधी में तनोलक्ष्मी प्रचोदयात माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करते हुए थोड़े से चावल आपको दीपक के नीचे रखने हैं, आसन देना है दीपक को और माता लक्ष्मी के सामने यह दीपक आपको जला देना है अपनी मनोकामना बोल करके चौमुखी दीपक सिंगल दीपक नहीं चौमुखी दीपक और एक पीला धागा सादा पीला धागा लेकर के माता लक्ष्मी के हाथ में आपको बांध देना है या माता के सामने आपको अर्पण कर देना है और जो धागे वहां पर चढ़े हुए गांठ वाले धागे हों तो उसमें से एक धागा उठा करके आप अपने घर में साल भर के लिए रखें अगले व्रत तक यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है इस उपाय के करने से जिस समय आप दीपक जलाएंगे उस समय श्री महालक्ष्मी नम मंत्र का जाप करना है और जो आपके मन में इच्छा है जो आपके मन में कामना है वो आपको उस समय बोलनी है उस समय बोलनी है आपको फिर देखना कितना प्रभाव आपको दिखेगा और कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी यह व्रत बड़ा व्रत है और यह उपाय चमत्कारी उपाय है आप ये उपाय जरूर करें श्री महालक्ष्मी नमः महा।